क्या तुम्हें एक चीज पता है, थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक यूट्यूब वीडियो का। कितना इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर यूट्यूब की होम स्क्रीन है, यहाँ पर आप लोग सभी थंबनेल देख सकते हो। एक बार हर एक वीडियो को देखो, ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखो। देख लिया? अभी मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूं, आपने यहाँ पर वीडियोस को देखा नहीं है, आपने वीडियोस को स्कैन करा है। जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वीडियोस का टाइटल पढ़ने की बजाय वीडियोस को स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं वीडियो के थंबनेल से। ये एक रियलिटी है। मैंने भी ये चीज नोटिस करी खुद में। जब भी मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, लाइक वीडियोस वॉच करने वाला होता हूँ, मैं सबसे पहले यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखता हूँ। और आई थिंक ज्यादातर लोग यही करते हैं, पहले थंबनेल देखते हैं, फिर हाँ ये स्कैन करना होता है, वो पढ़ते नहीं। आजकल हमारी पढ़ने की हैबिट जा चुकी है, स्कैन करने की हैबिट ज्यादा डेवलप हो रही है। तो थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ। और मैं अपने थंबनेल पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं अपने थंबनेल पे एक दिन, दो दिन या फिर उससे भी ज्यादा टाइम देता हूँ। कहीं बार आप कैसे बेटर थंबनेल बना सकते हो, प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में। मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे से अच्छे थंबनेल बना सकते हो। लेकिन आपको कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। ये मेरे वो मेथड है जो मैं पास्ट में, जिससे मैं 100+ थंबनेल्स बना चुका हूं ऑलरेडी, जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस मेथड से आपको थंबनेल बनाने के लिए कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, ये इजी है और साथ ही साथ फ्री है। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे मेथड की तरफ। इसके लिए आप स्मार्टफोन से भी बना सकते हो, लैपटॉप से भी बना सकते हो। स्मार्टफोन से अगर आप बनाना चाहते हो, वहां पर आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, कैनवा, प्ले स्टोर या एप स्टोर से आपको मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा। और अगर आपको इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि स्मार्टफोन से कैसे बनाना है, तब आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर कैनवा आ गया, canva.com, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वेबसाइट का। यहाँ पर आप आओगे, आपको सिंपल से सर्च करना है यूट्यूब, क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल, इस पे जंप करना, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पर अपने को डिजाइन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन, अगर आप यहाँ से कुछ पिक करना चाहते हो यहाँ से पिक कर सकते हो। हम स्क्रैच से बनाएंगे और यहाँ से भी पिक करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड क्या थंबनेल है यहाँ पे, हाउ टू द मोस्ट अट्रैक्टिव थंबनेल, ठीक है, द मोस्ट अट्रैक्टिव थंबनेल। इस वाले थंबनेल को पकड़ते हैं और इस पे अपना थंबनेल चिपकाते हैं। इसकी फोटो डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी फोटोज अपलोड करता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अपनी फोटोज चाहिए। लाइक आपके पास एक ऐसी फोटोज होनी चाहिए जहाँ पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी फोटोज है। अगर आपको नहीं पता आपको कैसे लेनी है, आपको सिंपल से दो चीजें करनी है, दो तरीके से आप लोग फोटोज ले सकते हो। सबसे पहली चीज, प्लेन बैकग्राउंड है घर में तो प्लेन बैकग्राउंड पे के आगे खड़े होकर फोटोज ले लो, चाहे फोन से लो चाहे कैमरा से लो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक प्लेन वॉल, प्लेन कलर की बैकग्राउंड नहीं है, तो दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कैमरा है तो आप फोटो लो और बैकग्राउंड ब्लर हो तो ज्यादा बेटर है। वो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में, जब आप पोस्ट में एडिट कर रहे होंगे तो बैकग्राउंड रिमूवल में ज्यादा इजी होता है। नहीं तो फिर प्लेन बैकग्राउंड में ले सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में मैं भी वही करता था। अपलोड करता हूं मैं अपनी फुटेज। यहां पर मेरे बहुत सारे बैकग्राउंड है, ये वाला ठीक है आई थिंक। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद अपन एडिट फोटो में आएंगे। एडिट फोटो में क्लिक करने के बाद बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर। अब मैं फोटोशॉप से आजकल रिमूव करता हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लाइक चेक करते रहो फिर हटाओ उनको जो ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है टू बी ऑनेस्ट, और बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। ये मेरे चश्मे के पीछे का जो पॉइंट होता है वहाँ से भी रिमूव कर देता है बैकग्राउंड को। भाई कितना सही हो गया। बट इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे, फोटो पे डिपेंड करता है आपकी फोटो कैसी है। मेरी फोटो थोड़ी सी डार्क वैसी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा जो मुझे पसंद आता है फिल्टर पे गया। यहाँ पर सबसे पहले एडिट फोटो के अंदर यहाँ पर फिल्टर्स है, नीचे फिल्टर्स पे सी ऑल क्लिक किया। सी ऑल क्लिक करने के बाद कूल में नॉर्डिक सेलेक्ट कर लिया। देख रहे हो कितना फर्क आ गया, अगर मैं दिखाऊँ बिफोर एंड आफ्टर। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या करनी है, एडजस्ट। एडिट फोटो के अंदर ही ऊपर एडजस्ट का ऑप्शन, इस पे गए, अपने को थोड़ा सा करेक्शन करना है इसमें फोटो में। अगर आपकी फोटो अच्छी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं बढ़ाते, 5। हाईलाइट कम कर देते, शेडोज थोड़ा आप ट्वीक कर सकते हो, ऊपर नीचे करके देखो, आपको पर्सनली जैसा लुक पसंद आ रहा है उस हिसाब से करो। व्हाइट थोड़ा सा कम कर देते, ब्लैक्स 10, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ाते हैं। थंबनेल में कलर्स को पॉप करो, अपने स्किन का कलर हो ज़्यादा पॉप करो, वो ज़्यादा कैची लगता है, ज़्यादा उस पर टेंशन ज़्यादा जाती है व्यूअर के, जहाँ पर कलर ज़्यादा पॉप हो रहे होंगे। प्लेन वैसा मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वैसा बैकग्राउंड रखोगे जिसमें कलर्स नहीं है वो अच्छा नहीं लगेगा। वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसके 30, इसके बाद इसकी शार्पनेस अराउंड 20, क्लैरिटी 5। क्लैरिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाता मैं पर्सनली, मुझे क्लैरिटी पसंद नहीं आती, बढ़ा देता हूँ ऐसा लगता है, तो मैं थोड़ा ही बढ़ाऊंगा इसे 5, ठीक है। तो अपना अभी ऐसा लुक आ चुका है, द मोस्ट अट्रैक्टिव थंबनेल लिखा है यहाँ पर। तो मैं इसकी जगह करता हूँ क्रिएट। तो हमने यहाँ पर अपना एक थंबनेल बना चुका है। बहुत आसान तरीका था थंबनेल बनाने का, ऑलरेडी जो डिजाइन यहाँ पर मिलते हैं उसके थ्रू बनाने का। इमेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी जो इमेज है जो आप यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने वाले हो वो इमेज अच्छी होगी तो आपका थंबनेल उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है, डस्ट ऐड करते हैं एक बार, पोजीशन, इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर हम थोड़ी सी कम कर दें, इसके बाद हम और चीजें डाल सकते हैं लाइक ग्लो, बैकवर्ड यहाँ पे ठीक है आई थिंक,
तो ये हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। बाकी टेक्स्ट अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ रिमूव करना चाहते हो, किसी का कलर चेंज करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरा एक थंबनेल डिजाइन करते हैं। डिजाइंस पे जाएं, अगर डिजाइंस पे जाने के बाद कोई और पिक करते हैं, ये वाला पकड़ते हैं। ये म्यूजिक से रिलेटेड कुछ थंबनेल है, इसको पकड़ते हैं। इसकी पहले इनकी फोटोज डिलीट करते हैं। सेकंड चीज अपलोड, अपलोड में अपलोड फाइल। ये फोटो हम लोगों ने चूज करी, इसमें सबसे पहले एडिट फोटो, बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इसका। बड़ा करके देखते हैं, सही है, परफेक्ट है। लेयर को एडिट फोटो, पहले इसको इफेक्ट डालते हैं, सी ऑल नॉर्डिक एडजस्ट, दैट्स इट। बस यहाँ पर मेन चीज ये है कि मेरे पास ये माइक्रोफोन वाली फोटो थी जहां पर मैंने माइक्रोफोन पकड़ रखा था। तो आपके पास जितनी ज्यादा फोटोज होगी उतने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करने के लिए। आप भी धीरे धीरे करके अपनी फोटोज क्लिक करोगे तो आप बैकग्राउंड चाहे यहां से रिमूव करो, चाहे आगे फोटोशॉप से रिमूव करो, चाहे कहीं से भी रिमूव करो, आपके फोटोज हमेशा काम आने वाली है। तो ऐसे फोटोज का कलेक्शन बनाओ और ऐसे इजी तरीके से अपने स्टार्टिंग में थंबनेल बना सकते हो। कोई बोलेगा यार प्रोफेशनल बंदे ने बनाया किसी, सच में, जहां पर हमने सिर्फ डिजाइन यूज करे। अगर आप स्क्रैच से करोगे तो सिंपल सा, मैं जैसे कोई थंबनेल पकड़ता हूँ, अपलोड्स, इस वाले थंबनेल को पकड़ते हैं, इसको बड़ा करते हैं एक बार, स्क्रैच सिंपल सा बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं बनाता था पहले, मेरा प्लेन बैकग्राउंड है, यहाँ पर मैंने इसे बड़ा किया, थोड़ी सी फुटेज, इस फोटो को रोटेट करते हैं, इस पर लिखते हैं टेक्स्ट, क्रिएट डिजाइन लाइक अ प्रो, डिजाइन डिजाइन, इसका कलर करते हैं येलो, डिजाइन इसमें फॉन्ट यूज करते हैं, मॉडरेट का यूज करेंगे हम लोग बोल्ड, इसको उठाया लाइक अ प्रो, इसको करते हैं हम लोग वाइट, वाइट इसका बैकग्राउंड रखेंगे ब्लैक, डिजाइन को उठाया और ऐसे बड़ा कर दिया, इसमें शेडोज डाल दी, इफेक्ट शेडोज में कलर होना चाहिए ब्लैक, शेडोज का कलर येलो कौन रखेगा, डायरेक्शन अराउंड नीचे की तरफ कर दें, और नीचे करते हैं ऑफसेट, सेट ज़्यादा नहीं इतना, ट्रांसपेरेंसी फुल, डिजाइन लाइक अ प्रो, इसके बाद एक एरो लगा दिया करो, बस दैट्स इट। कितना टाइम लगा, एक मिनट लगा इसको बनाने में, एक तो नहीं ज्यादा लगा होगा, थोड़ा सा दो मिनट लगे। पहला थंबनेल हमने जो उसमें से बनाया डिजाइन से बनाया, दूसरा थंबनेल जो डिजाइन के थ्रू बनाया, तीसरा थंबनेल जो हमने स्क्रैच से बनाया, दो मिनट में। तो ये हमारे सारे थंबनेल्स हो गए, तीन थंबनेल मैंने आपको बना के दिखा दिया। आप ऐसे मल्टीपल बहुत सारे थंबनेल्स के थ्रू बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, मैं इसको लास्ट 5 ईयर्स या 4 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ और इसने मेरा आज तक बहुत अच्छे साथ दिया है। बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स आए, बैकग्राउंड रिमूवर उस टाइम पर नहीं हुआ करता था, आज के टाइम पर आपको बैकग्राउंड रिमूवर भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में आपको और ऐसी वीडियोज़ मिल सके। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।